दोस्तों ये रात को हुई थी स्नोफॉल, और मैं आपको घर के अंदर से ही दिखा रहा हूँ कि जो स्नो को कैसे रिमूव करते हैं ये रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर से। और ये जो है पहले ये जो पैसेज है ये जहाँ पैदल चलने के लिए वहाँ से ये इसको ब्लोअर से ये ब्लो कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद ये दो और इक्विपमेंट लेके आए हैं, ये बड़ी वाली जो है ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, इसके इसमें अंदर कार की मूवमेंट के लिए जगह है और साथ में कार पार्किंग का स्पेस बना हुआ है। तो ये वाला इक्विपमेंट वाला क्या कर रहा है कि जो आसपास जो जितनी भी स्नोफॉल हुई थी रात को उसको ये इकट्ठी कर रहा है ये वाला, और इसको ये इकट्ठी करके ये सामने जो है ना वहाँ डालेगा। ये पहले सब जगह से इसको इकट्ठी कर रहा है। और ये जो छोटे वाला है इसको ये जो पैसेज के साथ साथ जगह है इसके ऊपर घास लगा हुआ है, तो ये जो पैसेज के जो बाकी बर्फ बच गई थी उसको ये इकट्ठी कर रहा है ये, और ये इकट्ठी कर इधर जो घास है ना इसके ऊपर डाल रही है। जैसे ये वाला तो डालेगा ना इसके ऊपर सामने, ये भी घास है इसके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी करके डालेगा, ये इसने डाल दी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा कि सारी की सारी बर्फ़ को इसके ऊपर इकट्ठी करके पे डाल देंगे ये वाली। और ये जो आवाज़ आ रही है छोटे वाला जो जनरेटर मतलब डीजल से चल रही है इसकी आवाज़ आ रही है, और बड़े वाला तो वह आपको दूसरे पेट्रोल से या किसी से चलता होगा उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखो ना सारी की सारी इकट्ठी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेगा यहाँ से। ये पैदल वाले रास्ते तो कर दिए इन्होंने साफ, और जो इसके ऊपर बर्फ़ थी वे तो घास के ऊपर डाल दिए, और ये जो बड़े वाला है ये बाकी की जगह को साफ कर रहे हैं, जो कार मूवमेंट के लिए जगह और पार्किंग वाला स्पेस है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी करके ये जो ऊपर वे बड़ी वाली जगह है उसके ऊपर ये इकट्ठी करके डाल देगा, और ये टाइम के साथ साथ ये अपने आप पिघल जाएगी। ये देखो ये इकट्ठी कर रहा है। ये पैदल वाले रास्ते का लेवल थोड़ा ऊपर है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कार पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है, इंडिविजुअल कार्स के लिए अलॉट की गई इस सोसाइटी में, और ये जो बच गई थी बर्फ उसको ये रिमूव कर रहा है ये कार पार्किंग की जगह के ऊपर से। कल मैंने रिकॉर्डिंग की थी इस जगह के ऊपर जो कि वे स्नो क्लीनिंग वाले आए थे, उन्होंने ये जो पार्किंग की स्पेस है और जो छोटी सी सड़क बनी है इसमें से ये स्नो हटा के यहाँ इकट्ठी कर दी थी। सिमिलरली वे पीछे भी की हुई है, और ये सब जगह ये अपने आप जो टाइम के हिसाब से पिघल जाएंगी और पानी बन के ये बाहर निकल जाएंगे, ये भी किए हुआ है। और ये जितनी भी स्नो है ये तो इन्होंने कुछ हटाई नहीं, लेकिन ये जो पैसेज है इनकी ये जिम्मेदारी है इसको स्नो को क्लीन करना, लेकिन इस जगह के ऊपर नहीं है। तो ये पड़ी हुई देखो कितनी कितनी बर्फ हो गई, एक एक फुट से ज़्यादा हो गई, और ये हमारे घर के अंदर है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने नहीं किया है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्नो क्लीन होने के बाद कैसे हो गया, लेकिन ये आज सुबह की थी तो इसके बाद फिर ये थोड़ा गंदा हो गया है।